मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। अरे बच्चों, हमने प्लस टू क्लास की जो पोएम्स माई मदर एट 66 के पिछली वीडियो में स्टेंजे कराए हैं और सो टाइप जो है टू क्वेश्चन कराए हैं, दो क्वेश्चन कराए हैं। आज थर्ड क्वेश्चन है सो टाइप्स, और आपके पास एक आज ऐसे टाइप्स एंड टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड CUMPARED कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। माता की तुलना कंपेयर की गई है, क्यों की गई है? टू द लेट विंटर मून, सर्द ऋतु का जो चंद्रमा है उसके साथ माता की तुलना क्यों की गई है? द विंटर मून लुक हेजेस, जो सर्द ऋतु का चंद्रमा है वह बहुत मंदम दिखाई देता है। एजी, इट लूजेस इट ब्राइटनेस, वह अपनी जो है चमक को खो देता है, ब्राइटनेस चमक को खो देता है, लूजेस खो देना इट्स ब्राइटनेस। द पोएटेस्ट मदर इज आल्सो ओल्ड, जो कवित्री की माता है, द पोएटेस्ट मदर इज आल्सो ओल्ड, वह भी बूढ़ी है। सी इज एट द एंड ऑफ लाइफ जर्नी, वह अपनी जीवन की अंतिम यात्रा के पड़ाव पर है। सी इज एट द एंड ऑफ लाइफ जर्नी, वह अपनी उसकी अंतिम पड़ाव जो यात्रा का है उस पर है। सो द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, इसलिए माता की तुलना सर्द ऋतु के चंद्रमा से की गई है। तो सर्द ऋतु द विंटर मून लुक्स एजी, जो सर्द ऋतु का चंद्रमा वह बहुत मध्यम दिखाई देता है। इट लूजेस इट ब्राइटनेस, वह अपनी चमक को खो देता है। द पोएटेस्ट मदर इज आल्सो ओल्ड, कवित्री की माता भी बूढ़ी है। सी इज एट द एंड ऑफ लाइफ जर्नी, वह अपनी जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। सो द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, इसलिए माता की तुलना सर्द ऋतु के चंद्रमा से की गई है। तो कभी जिस तरह सर्द ऋतु का चंद्रमा अपने अंतिम उस पर होता है और वह अपनी चमक खो देता है, अस्त होने के उस पर होता है, उसी तरह जो है कवित्री की माता भी बहुत वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, वह अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। अर्थात हर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, उसका जीवन जो है वह अंत तक है, अंत होने वाला है उसके जीवन का, इसलिए जो है माता की तुलना जो है उसके सर्द ऋतु के चंद्रमा से की गई है। तो समरी अगर हम करेंगे समरी और ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो देखेंगे कि माई मदर एट 66 हैज बीन रिटन बाई कमला दास। माई मदर ऑफ 66 जो पोएम है वह कमला दास के द्वारा लिखी गई है। सी वॉज ए ग्रेट पोएटेस्ट, वह एक महान जो है कवित्री थी। सी हैज रिटन मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी कविताएं जो है लिखी हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पोएम, यह एक जो है इम्पोर्टेंट पोएम, प्रसिद्ध कविता है। इट गिव्स अस एन इम्पोर्टेंट मैसेज, यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर, यह हमें एक लड़की यह हमें एक लड़की और उसकी माता के संबंधों के बारे में बताती है। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर। द पोएटेस्ट इज गोइंग इन ए कार विद हर मदर, जो सो टाइप क्वेश्चन आपके पास कराया था उसका ही ये आंसर है। द पोएटेस्ट इज गोइंग इन ए कार विद हर मदर, अपनी माता के साथ वह कार में जा रही है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वह जो है खिड़की से बाहर देखती है। सी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड, वह पाती है कि जो वृक्ष हैं वह पीछे की तरफ रेसिंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दे आर ए सिंबल ऑफ एनर्जी, वे ऊर्जा के प्रतीक हैं। हर मदर इज वेरी वीक, उसकी माता बहुत कमजोर है। सी लुक्स देखना लाइक ए डेड बॉडी, वह एक मृत शरीर की तरह दिखाई देती है, डेड बॉडी मृत शरीर की तरह। सी फियर्स, उसे डर है दैट हर मदर विल डाई सून, कि उसकी माता जो है जल्दी जो है मर जाएगी। सो सी इज नॉट हैप्पी, इसलिए वह खुश नहीं है। सी थिंक्स दैट
सी विल नॉट सी हर मदर अगेन, वह सोचती है कि वह अपने माता से दोबारा नहीं मिल सकेगी। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो 200 टाइप क्वेश्चन आपको पहले कराए थे वो इस ऐसे टाइप क्वेश्चन में ही आ गए हैं, और आपका एक जो है समरी टाइप क्वेश्चन यह है बन गया है। तो माई मदर एक बार फिर देखेंगे, माई मदर एट 66 हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास के द्वारा लिखी गई है। सी वॉज ए ग्रेट पोएटिस्ट, वह एक महान कवित्री थी। सी हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी कविताएँ लिखी हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोएम्स, यह एक प्रसिद्ध कविता है। इट गिव्स अस एन इम्पोर्टेंट मैसेज, यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉटर एंड ए मदर, यह एक लड़की और उसकी माता के संबंधों को प्रकट करती है। द प्रोटेस्ट इज गोइंग एक इन ए कार विद हर मदर, कवित्री जो अपने माता के साथ एक कार में जा रही है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखती है। सी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड्स, वह पाती है कि जो वृक्ष है वह पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दे आर ए सिंबल ऑफ एनर्जी, वे ऊर्जा के प्रतीक हैं। हर मदर इज वेरी वीक, उसकी माता भी बहुत कमजोर है। सी लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, वह एक मृत शरीर की तरह दिखाई देती है। सी फियर्स दैट हर मदर विल डाई सून, उसे डर है कि उसकी माता जल्दी जो है वह मर जाएगी। सो सी इज नॉट हैप्पी, इसलिए वह खुश नहीं है। सी थिंक्स दैट सी विल नॉट सी हर मदर अगेन, वह सोचती है कि वह माता से अपनी माता से दोबारा नहीं मिल सकेगी। तो प्यारे बच्चों, ये माई मदर एट 66 पोएम आपके पास जो है कंप्लीट करा दी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पोएम जो है स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।